ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ उसी एग्जीबिशन में। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर एक एग्जीबिशन जो है वो लगाई गई है, ताकि जो लोग हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको वो दुनिया के सामने या बायर्स के सामने जो है वो प्रदर्शित कर सकें। क्योंकि इसमें काफ़ी जो इनोवेटिव तरीके से इसको एक्सक्लूसिवली बनाया जाता है, और उसके बाद में फिर इसको जो है वो इस तरीके की एग्जीबिशन में लगा करके जो दुनिया के लोग हैं जो एग्जीबिशन में देखने आते हैं उनके सामने इसको रखा जाता है। तो इसी तरीके की जो एग्जीबिशन है वो ग्रेटर नोएडा के EPCH में लगाई गई है, जहाँ पर जो करीब इस पूरे जो EPCH में करीब 2500 से अधिक जो एग्जीबिटर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। देश के हर एक कोने से आए हुए हैं, क्योंकि देश के जो छोटे छोटे जो हस्तकारदा लोग हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को बना करके वो अपने जो छोटी छोटी जगहों से आते हैं, वो यहाँ पर बना करके उस प्रोडक्ट को लगा करके यहाँ पर एग्जीबिशन जो है वो यहाँ पर लगाते हैं। और ये कैसा यहाँ पर लगाने के बाद में जो बाहर से विदेशी और देसी बायर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के ख़रीदारी करते हैं, और काफ़ी जो लोग हैं वो अपने जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको यहाँ पर अपनी जो कला है उसको तराश करके फिर यहाँ पर वो अपने इस प्रोडक्ट को लगाते हैं। देश विदेश से तमाम तरीके के जो बायर्स हैं वो यहाँ पर आकर के इस एग्जीबिशन में लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। काफ़ी लोगों को भा रहा है, क्योंकि जो छोटी छोटी जगहों से जो छोटे छोटे कामगार लोग हैं वो अपनी कला के जरिए अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं कर रहे हैं, और वो इसके लिए काफ़ी जो है वो यहाँ पर इस तरीके के मेले में उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनको एक ही छत के नीचे जो है बायर्स भी मिल रहे हैं और विजिटर भी मिल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन लगाई गई है, और इस एग्जीबिशन में अलग अलग तरीके के जो एग्जीबिटर हैं वो यहाँ पर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आप सामने तस्वीरों में ये पूरे गार्डन के लिए एक पूरा जो इक्विपमेंट है, जो एसेसरीज रखने के लिए एसेसरीज हैं, जो स्टैंड है वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हैं, क्योंकि ये सभी जो है ये मेटल से बने हुए हैं, और ये पाउडर कोटिंग करके इसकी जो खूबसूरती है और इसकी जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से बनाया गया है। दीपक जी हैं इसके जो ऑनर हैं। सर, ये बताइए कि आप क्या क्या कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो बनाते हैं? ये हम गार्डन के आर्बर्स हैं, ये आर्चेज हैं, ये गार्डन के चेयर्स हैं जो आप ये देख रहे हैं, ये भी अलग अलग के चेयर्स हैं, गार्डन के बेंचेज हैं, ये हम सारे प्रोडक्ट बनाते हैं US एंड UK के लिए मार्केट के लिए। सर, ये क्या कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और इनमें स्पेशल क्या है? ये सारा लोहे में बना हुआ है और ये पाउडर कोटेड है, ताकि हम इसको रस्ट से प्रिवेंट कर सकें और इसकी लाइफ ज़्यादा हो। जिस तरीके से सर ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हैं जो वो गार्डन्स का ज़्यादा मतलब बैठते हैं, तो उनके लिए क्या मतलब हेल्थ के लिए कुछ ऐसा विशेष ध्यान रखते हैं आप लोग कि उनकी जैसे कुछ एजड लोग हैं वो बैठेंगे, यंग बैठेंगे, या फिर बच्चे अगर गार्डन में घूमेंगे तो उनके लिए क्या, थोड़ा सा बताइए। इसमें ऐसा कुछ भी कोई केमिकल या ऐसी किसी भी तरह की चीज़ें यूज़ नहीं, केमिकल नहीं, कंफर्टेबल। हाँ, कंफर्टेबल के लिए हमने जैसे आप अगर इस चेयर को आप देखें ये, तो ये चेयर इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आप इस पर बैठे कोई बुजुर्ग भी बैठता है तो बहुत आराम से और ईजिली बैठेगा और ये बहुत आरामदेह है। और बाकी का जैसे ये स्टैंड है, ये पूरा गेट के लिए है, गार्डन का जो गेट होगा उसके लिए बेल, इस पे बेल्स वगैरह चढ़ते हैं। और अगर आप इसको गार्डन में लगाते हैं तो ये आपको एक पैसेज की तरह दिखेगा और लगेगा कि ये गेट बना हुआ है, गेट बना हुआ। और ये सारा खुल जाता है और ये खुल के आराम से इजीली आप इसको पैक भी कर सकते हैं। अच्छा, डिसमेंटल भी, डिसमेंटल कर सकते हैं और कहीं ले जाने ले आने के लिए भी आपके लिए बहुत आसान है। ओके, जैसे ये वाली चेयर जो है इसके बारे में, हाँ बेंच है, तो ये बेंच इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आप एक गोल पेड़ के पास इसको अगर लगाते हैं तो आप अगर तीन लगाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा और ये पेड़ के चारों तरफ से ये बेंच की तरह हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले पुराने ज़माने में चबूतरा होता था, तो ये उसी के कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। मतलब काफ़ी कम्फर्टेबल होगा और लोग काफ़ी बैठने के लिए। यस,
और सर जो दूसरा ये आप जो जाली है या ये इस तरीके के जो इक्विपमेंट है ये क्या है सर? इसको फायर स्क्रीन बोलते हैं, जब हम ठंड में अलाव जलाने के लिए किसी घरों में बने हुए होते हैं तो उसमें आप लगा रहे हैं, तो आपके पेट्स हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनको सेव करने के लिए हम ये फायर स्क्रीन लगाते हैं। ओके सर आपका जो है वो कितनी कंट्री में ये आप इसको एक्सपोर्ट कर? इसको अभी हम US और UK दो जगह में भेज रहे हैं, अलग अलग बायर्स हैं जो ये लोग इसको बाई करते हैं यहाँ से। अपने बारे में बताइए सर, ये आपने कैसे शुरू किया, कहाँ से आपको ये सब बनाने का आइडिया आया? मैंने 2012 में ये स्टार्ट किया था और एक कंपनी है ही नोएडा में, पहले मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया था, उसके बाद से फिर मुझे भी आइडिया आया देख के कि काम करके मैं भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, फिर मैंने अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। इस तरीके की जो एग्जीबिशंस लग रही हैं सर, लगती हैं, इनसे आपको बेनिफिट मिलता है सर कुछ या आप पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं, हमारे जो बायर्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ये लोग इनको बुलाते हैं और वो आते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनको जो पसंद आता है फिर वो उसको ऑर्डर करते हैं और आगे भी वो किसी और को भी रेफ़र करते हैं कि वहाँ इन्होंने देखा, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के सारे बायर्स आ रहे हैं। बिल्कुल, दीपक जी ने बताया कि किस तरीके से ये इनोवेटिव जो इक्विपमेंट हैं गार्डन के लिए ये बनाते हैं और ये काफ़ी लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, इनकी दो कंट्रीज़ में बहुत अच्छी डिमांड है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। ये जो इक्विपमेंट ये बनाते हैं उसमें बच्चे, बुज़ुर्ग और जवान सभी लोगों का इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें इनका इस्तेमाल करने में कहीं कोई तकलीफ ना हो। कैमरा पर्सन भरत सिंह रावत के साथ में मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24।